दोस्तों नमस्कार, अनोखा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रों में करें यह उपाय, इतना धन बरसेगा कि आप संभाल भी नहीं पाओगे। दोस्तों, इस चैनल का उद्देश्य आपको दुनिया की रहस्यमयी, वास्तविक, आश्चर्यजनक, गुप्त और असंभव घटनाओं के बारे में आपको सूचित करना है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अनोखा ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, देखते रहें इस वीडियो को। दोस्तों, नवरात्रि जहां एक आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त करने का अवसर है, वहीं आम जीवन की समस्याओं को सदा सर्वदा के लिए खत्म करने का साधन भी है। नवरात्रों में किए जाने वाले टोने टोटके तुरंत ही असर दिखाते हैं तथा हर समस्या को खत्म कर देते हैं, और यही कारण है कि नवरात्रि में तुरंत सफलता पाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के टोटके किए जाते हैं। दोस्तों, तंत्र शास्त्र के अनुसार नवरात्रि में किए गए टोटके जल्दी शुभ और फलदायक होते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको कुछ ऐसे ही टोटकों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। नंबर एक, अचानक धन लाभ के लिए यह टोटका। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन एक शांत कमरे में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पीले आसन पर बैठ जाएं। अपने सामने तेल के 9 दीपक जला लें। यह दीपक साधना काल तक जलते रहना चाहिए। इन 9 दीपकों के सामने लाल चावल की ढेरी बनाकर उस पर श्री यंत्र रखें। इस श्री यंत्र का कुमकुम धूप दीपक से पूजन करें। इस पूरी प्रक्रिया के बाद एक प्लेट पर स्वास्तिक बनाकर उसका पूजन करें। अब इस यंत्र को अपने घर के पूजा स्थल में स्थापित कर दें तथा शेष सामग्री को नदी में प्रवाहित कर दें। इस प्रयोग से आपको जल्दी अचानक धन लाभ होगा। नंबर दो, नौकरी में इंटरव्यू में सफलता प्राप्त करने का उपाय। नवरात्रि में किसी भी दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद सफेद रंग का सूती आसन बिछाकर उस पर पूर्व की ओर मुंह करके बैठ जाएं और अपने ठीक सामने पीला कपड़ा बिछाकर उस पर 108 मनकों वाली स्फटिक माला रख दें तथा इस पर केसर इत्र छिड़ककर माला का पूजन करें। माला को धूप दीप अगरबत्ती दिखाकर ओम ही क्लीं वाग्वादिनी भगवती मम कार्य सिद्धि कुरु कुरु फटे स्वाहा मंत्र का 31 बार जाप करें। इस प्रकार लगातार 11 दिन तक करने से वह माला सिद्ध हो जाएगी। इसके बाद आपको किसी भी इंटरव्यू में जाना हो या किसी से मिलने के लिए जाना हो तो इस माला को पहनकर जाएं। ऐसा करने से शीघ्र ही इंटरव्यू तथा अन्य कार्यों में सफलता मिलेगी। नंबर तीन, मनपसंद लड़की से शादी करने के लिए नवरात्रि के दौरान आने वाले किसी भी सोमवार की सुबह किसी शिव मंदिर में जाएं। वहां शिवलिंग पर दूध दही घी और शहद शक्कर चढ़ाते हुए उसे अच्छी तरह से स्नान कराएं। तत्पश्चात शुद्ध जल चढ़ाएं व पूरे मंदिर में झाड़ू लगाकर उसे साफ करें। अब महादेव जी की चंदन पुष्प धूप दीप आदि से पूजा अर्चना करें। उसी रात को 10 बजे के बाद अग्नि प्रज्वलित कर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए घी से 108 आहुति दें। अब 40 दिनों तक नित्य इसी मंत्र का 5 माला जाप कर भगवान शिव के सम्मुख करें। इससे आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी और आपकी मनपसंद लड़की से शादी होगी। नंबर 4, पति पत्नी के बीच संबंधों की अनुकूलता के लिए। यदि पति पत्नी के बीच आपसी संबंध अच्छे न हो तो नवरात्रि में इस प्रयोग को करें। नवरात्रि के किसी भी दिन स्नान आदि कर निम्नलिखित मंत्र को पढ़ते हुए 108 बार अग्नि में घी से आहुति दे। इससे यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद रोजाना नित्य सुबह उठकर पूजा के समय इस मंत्र का 21 बार जाप करें। यदि संभव हो तो अपने जीवन साथी से भी इस मंत्र का जप करने के लिए कहें। इससे जीवन भर आप दोनों के बीच मधुर संबंध बने रहेंगे। मंत्र इस प्रकार है, सब नर कर ही परस्पर प्रीति, चल ही
स्वधर्म निरत श्रुति नीति। नंबर 5, धनी बनने के लिए टोटके। नंबर 1, नवरात्रि में एक पीपल के पत्ते पर राम का नाम लिखिए तथा साथ में कुछ मीठा रखकर हनुमान जी की प्रतिमा के आगे अर्पण करें। यह उपाय लगातार 9 दिन तक करना है, जल्द ही धन लाभ होगा। नंबर 2, नवरात्रि में किसी भी दिन भगवान शिव को सुबह स्नान करने के बाद विधिवत पूजा अर्चना कर चावल बेलपत्र चढ़ाएं, जल्द ही धन आना शुरू हो जाएगा। नंबर 6, कुंवारे लड़के लड़कियों के शीघ्र विवाह के लिए उपाय। नवरात्रि में शिव पार्वती का एक चित्र अपने पूजा स्थल में रखें, उसकी विधिवत पूजा अर्चना करने के पश्चात निम्नलिखित मंत्र का 3, 5 अथवा 10 माला जाप करें। जाप के पश्चात भगवान शिव से विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। मंत्र के प्रभाव से जल्द ही विवाह के आसार बनने लगेंगे। मंत्र इस प्रकार है, ओम से शंकराय सकल जन्म जित्र पाप विध्वंसनाय, पुरुषार्थ चतुष्टय लाभाय, चैपति में देहि कुरु कुरु स्वाहा। नंबर 7, घर में पैसा टिकने के लिए उपाय। दोस्तों, नवरात्रि में किसी भी दिन सुबह जल्दी ही स्नान कर किसी साफ कपड़े में मोती शंख को रख के इस पर केसर से स्वास्तिक का चिन्ह बना दें। इसके बाद इस मंत्र का 108 बार स्फटिक माला से जाप करें, श्री ही श्री महालक्ष्मो नमः। दोस्तों, हर मंत्र जाप के साथ साथ एक एक चावल इस शंख में डालते जाएं। ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए ना हो। लगातार 9 दिनों तक इसका प्रयोग करते रहें, रोज 108 बार आपको जाप करना है। और जाप पूरा होने के बाद पूजा के चावलों को एक सफ़ेद रंग के कपड़े की थैली में रखें और 11 दिनों के बाद चावल के साथ शंख को भी उसी थैली में रखकर तिजोरी में रख लें। कुछ दिनों में दरिद्रता दूर हो जाएगी, धन वैभव में वृद्धि होने लगेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे यूट्यूब चैनल अनोखा ज्ञान को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे फेसबुक पेज अनोखा ज्ञान को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।